आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में प्याज वाली भिंडी। उसके लिए मैंने ये 250 ग्राम भिंडी ली हैं, 8-10 हरी मिर्चें। अब मैं भिंडी को काट लेती हूँ। भिंडी छौंकने के लिए मैंने ये 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है। ये 2 प्याज काट लिए मैंने, भिंडी काट के तैयार कर ली है। अब मैं इनको छौंक देती हूँ। मैंने इसमें हरी मिर्च भी काट ली है, लाल मिर्च नहीं डालूंगी। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, कढ़ाई तेज गर्म हो गई थी तो मैंने गैस बंद कर दिया। मैं अजवाइन में छौंक रही हूँ। अजवाइन डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, भिंडी गरिष्ठ होती है, तो इसलिए अजवाइन में छौंकें तो पेट के लिए फायदेमंद रहती है, पाचन क्रिया सही रहती है। इससे बीच बीच में सब्जी को चलाते रहें, जो नीचे लगे मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए थे। मैं ज़्यादातर सब्जी सिंपल सादा ही बनाती हूँ, नॉर्मल मसालों से। हमारे यहाँ पे वही नॉर्मल मसालों वाली सब्जी खाते हैं, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाली सब्जियाँ नहीं खाते हैं। सब्जी अध पकी हो चुकी है, मैं उसमें आमचूर पाउडर डाले देती हूँ। इससे एक तो भिंडी में स्वाद बढ़ता है, ऊपर से चिपचिपाहट कम होती है। स्वादिष्ट प्याज वाली भिंडी बनके तैयार है सर्व करने के लिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। सर्व कर लेती हूँ सब्जी। खाना तैयार है सर्व करने के लिए। भिंडी की सब्जी, पूड़ी, पराठे, रोटी किसी के भी साथ खाई जा सकती है, सबके साथ ही बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। मैंने ये पराठे के साथ बनाई है, बहुत ही स्वादिष्ट भिंडी बनके तैयार है।